अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं आपकी जमात अव्वल की इस्लामियत की टीचर हूँ और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। पढ़ाई शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। अरे बच्चों, आज हम सबक फरिश्ते की बुलंदखानी करेंगे। अपनी इस्लामियत की किताब के सफ़ा नंबर 23 पर देखें, सबक फरिश्ते हैं जिसकी हम बुलंदखानी करेंगे। चलें अब बुलंदखानी शुरू करते हैं और मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन भी करूँगी। फरिश्ते भी अल्लाह ताला के बंदे हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। हम फरिश्तों को नहीं देख सकते, अल्लाह के नबी फरिश्तों को देख सकते हैं। अल्लाह के नबी और फरिश्ते गुनाहों से पाक होते हैं। फरिश्ते ना खाते हैं ना पीते हैं। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है 4 मशहूर फरिश्ते हैं और उनके नाम ये हैं: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ताला ने इन सारे फरिश्तों पर अलग अलग काम उनके ज़िम्मे लगाए हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम यानी वही अल्लाह के नबी तक पहुंचाते हैं और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ये रिस्क पहुंचाते हैं और बारिश बरसाते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत के वक्त रूह कब्ज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि फ़रिश्तों के सरदार कौन हैं? चलें मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। और फ़रिश्ते पता है आपको अल्लाह ताला की कौन सी मखलूक हैं? ज़रा सोचें। चलें मैं बताती हूँ। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं और तमाम फरिश्ते मासूम होते हैं, यानी ये हर गुनाह और हर बुराई से पाक होते हैं। और प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और हम उन्हें करामन कातिबेन कहते हैं। करामन कातिबेन हमारे अच्छे और बुरे काम लिखते हैं और ये सब अल्लाह ताला की बारगाह में कयामत के दिन हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हमें सारे अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो फिर फरिश्ते हमारे सारे अच्छे अच्छे अमाल लिखेंगे और अगर हम बुरे काम करेंगे तो फिर फरिश्ते हमारे बुरे अमाल लिखेंगे। इसलिए हमें आज से ये प्रॉमिस करना है कि हम सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे ताकि हमारे सारे फरिश्ते अच्छे काम लिखें, कोई भी बुरा काम ना हो। प्यारे बच्चों, अब हम सोकर उठने की दुआ पढ़ेंगे। मैं आपको सोकर उठने की दुआ की तिलावत करके सुनाऊंगी और आप लोगों ने घर दुआ याद करनी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور। प्यारे बच्चों, अब आपने जब आप सोकर उठेंगे तो ये दुआ लाजमी पढ़नी है और घर में याद भी करनी है। और सबक फरिश्ते का सफ़ा नंबर 24 घर का होमवर्क है। आपको ये सफ़ा नंबर 24 मम्मा के साथ बैठकर करना है। जब आप लोग स्कूल आएंगे तो मैं फिर इसको चेक करूँगी। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।